नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद 5 महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हो गई। इनमें से 2 को पाकिस्तान की सीमा पर लगी यूनिट में पोस्टिंग दी गई है, तो वहीं 3 अधिकारी चीन बॉर्डर पर तैनात यूनिट में काम करेंगे। गलवान हमले में शहीद हुए जवान दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह भी सेना में शामिल हो गई हैं। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुई हैं। दीपक सिंह को अपनी वीरता के लिए वीर चक्र दिया गया था। लेफ्टिनेंट महक सैनी को सर्विलेंस इन टारगेट एग्जीक्यूशन रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट पवित्र मुद्गिल को मीडियम रेजिमेंट और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को रॉकेट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है। इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग में महिला अधिकारियों ने पुरुषों के बराबर ही चुनौतियों का सामना किया। पोस्टिंग के दौरान इन्हें चुनौती भरी परिस्थितियों में ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी ने बताया कि ट्रेनिंग में जुड़वा भाई अजय सिंह गिल और अर्जुन सिंह भी शामिल हुए। अजय स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हो गए हैं, वहीं अर्जुन 6 महीने बाद पास आउट होंगे। सेना ने कहा कि अपने बेटों और बेटियों को देश की सेवा में समर्पित करने वाले माता पिता को हम सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में भारत के पहले केबल आधारित रेल पुल के पूरा होने की प्रशंसा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट पर अंजी खड्ड पुल के पूरा होने की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पुल 11 महीने में बनकर तैयार हुआ है और पुल में इस्तेमाल होने वाले केबल की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ट्विटर पर वीडियो शेयर कर शानदार नजारा दिखाया। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है और ये नदी के तल से करीब 331 मीटर ऊपर है। ये पुल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बन जाने से कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ना बहुत आसान हो गया। अंजी खड्ड पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण भागों में शामिल है। ये एक तरफ सुरंग T2 और दूसरी तरफ सुरंग T3 को जोड़ता है। ये चेनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है। इससे पहले केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोष ने पुल का दौरा किया और परियोजना से जुड़े सभी लोगों की प्रशंसा की। मंत्री जरदोष ने ट्वीट कर 11 महीने के रिकॉर्ड समय में पुल के सभी 96 केबलों को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए सभी को बधाई दी। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रच दिया है। भारतीय जोड़ी ने 58 साल के बाद देश को एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। इससे पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिनेश खन्ना ने 1965 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक दिलाया था। पिछले साल विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सात्विक चिराग की जोड़ी ने एक गेम में गंवाने के बाद भी शानदार वापसी करते हुए मैच 21-16, 17-21 और 19-21 से अपने नाम कर लिया। इस चैंपियनशिप के पुरुष युगल में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। एशिया चैंपियनशिप में पुरुष युगल में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1971 में रहा था। तब दीपू घोष और रमन घोष ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के इतिहास रचने पर सभी को गर्व है। दोनों खिलाड़ियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इससे पहले दोनों ने फाइनल में पहुंचकर ही इतिहास रच दिया था। वो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली पुरुष बैडमिंटन जोड़ी बन गई थी। सेमीफाइनल में उनके विपक्षी रिटायर हो गए थे और भारतीय जोड़ी को वॉक थ्रू मिल गया था। कोई भी भारतीय पुरुष जोड़ी 52 साल बाद फाइनल में पहुंची थी। भारत के अभिलाष टॉमी ने अपने साहस से सभी को चौंका दिया है। उन्होंने अकेले ही गोल्डन ग्लोब रेस पूरा कर लिया है। ऐसा करने वाले वो पहले एशियाई और भारतीय बन गए हैं। अपने सफर में उन्होंने एक भी सहयोगी नहीं रखा था। नाविक अभिलाष 30,000 मील गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। टॉमी ने शनिवार की सुबह फ्रांस के ले सिलेब्स ड्यूलेना में फिनिश लाइन को पार किया, जिससे महासागरों और महान सीमाओं के आसपास
लगभग 8 महीने का दुस्साहसिक अभियान समाप्त हुआ। घर वापस आने पर उनके परिवार ने राहत की सांस ली, क्योंकि समुद्र में 236 दिनों तक अकेले रहने के बाद नौसेना के दिग्गज ने जमीन पर कदम रखा था। 16 नाविकों ने ऐतिहासिक गोल्डन ग्लोब रेस के हिस्से के रूप में पिछले साल 4 सितंबर प्रस्थान किया था। रेस इतनी कठिन है कि प्रवेश करने वाली 16 नावों में से केवल 3 नावें ही इस कठिन परीक्षा से बच पाई। टॉमी की यूएई पंजीकृत नौका बायनाट उनमें से एक थी। गोल्डन ग्लोब रेस जीतने वाली पहली महिला बनने वाली दक्षिण अफ्रीका की नाविक कस्टर्न नेउश्फर ने पहला स्थान हासिल किया। समुद्र में लगभग 8 महीने रहने के बाद नेउश्फर और टॉमी ने दौड़ पूरी की। अभिलाष की जीत धैर्य की कहानी है और भारत के समुद्री और खेल इतिहास में सबसे बड़ी वापसी में से एक है। उनकी उपलब्धि को इस बात से समझा जा सकता है। यूएई के अंतरिक्ष यात्री ने एक इतिहास रच दिया है। सुल्तान अल नयादी अभियान 69 के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब यात्री बन गए हैं। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने बताया कि सुल्तान अल नयादी स्पेस वॉक करने वाले पहले मुस्लिम अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्हें इतिहास रचने से पूरा यूएई गर्व महसूस कर रहा है। यूएई के उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा कि सुल्तान ने 3 साल गहन प्रशिक्षण किया, जिसका परिणाम आज सामने आया है। आज हम उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करते हुए देख सकते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने आगे कहा कि अधिकतर सितारों के नाम अरबी हैं। हम आज अपने युवाओं में विज्ञान को लेकर उत्सुकता देख सकते हैं, इसलिए उन पर खासा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही निवेश पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यह हमारे भविष्य को आकार देगा। किसी भी अरब अंतरिक्ष यात्री के लिए 7 घंटे की एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी करने का पहला मौका था। इस दौरान अल नयादी और नासा के चालक दल के सदस्य स्टीफन बोवेन ने रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्रुप यूनिट नाम के संचार उपकरण के एक हिस्से को ठीक किया। वहीं सोलर एरे इंस्टॉलेशन में भी दोनों ने अच्छी भूमिका निभाई। स्पेस वॉक के दौरान अल नयादी की प्रगति को ह्यूस्टन में नासा के ग्राउंड स्टेशन से इस अभियान के इंक्रीमेंट लीड हज्जा अल मंसूरी ने भी देखा। अब बात करते हैं तकनीक की। तकनीक के इस दौर में जब इंटरनेट जरूरत बन गई है, तब कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां इंटरनेट सेवा पहुंचाना मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन अब बहुत जल्द ऐसे इलाकों को भी इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा सकेगा। लद्दाख में वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की पहल से एक ऐसी अनोखी कोशिश की गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। और ऐसे में लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण, एमिशन, पोल्यूशन जो कन्वेंशनल टावर टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं उनसे भी कई गुना कम होता है और कवरेज कई गुना ज़्यादा और उसके वजह से दाम कई गुना कम। कोरोना महामारी में कई लोगों के कारोबार बंद पड़े, कई लोगों की नौकरियां गई। इस दौरान बहुत से लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया तो कई अपने गांवों और खेतों की ओर लौटने लगे। इन्हीं में से एक थे पुणे जिले के सिंगापुर में रहने वाले युवा किसान अभिजीत। उन्होंने भी कोरोना के कठिन समय से नौकरी खो दी और अपनी खेती में ध्यान देना शुरू कर दिया। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हालांकि अभिजीत ने कुछ अलग करने का फैसला किया और उन्होंने अंजीर की खेती शुरू कर दी। उन्होंने अंजीर की फसल से सालाना 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया और कठिन समय में हताश होकर बैठने वाले युवाओं के लिए मिसाल बने। पुणे जिले का पुरंदर तालुका अंजीर और सीताफल की खेती में अग्रणी माना जाता है। इस तालुका के सिंगापुर गाँव के प्रगतिशील युवा किसान अभिजीत गोपाल ने 30 बीघा जमीन में अंजीर की खेती से 14 टन उत्पादन लिया है और 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। अभिजीत पुणे के पास एक कंपनी में नौकरी करते थे। कोरोना काल में अभिजीत की नौकरी चली गई, इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान खेती की ओर लगा दिया। उनके पिता और चाचा का पुश्तैनी खेत 9 एकड़ का है, उसी पर उन्होंने आधुनिक तकनीक की मदद से 12 मासी बागवानी की खेती की। इसके लिए कृषि विभाग से खेत के लिए 3,30,000 रुपए का अनुदान मिला था। नौकरी जाने के बाद अभिजीत ने पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करने का फैसला किया। उन्होंने 4 एकड़ में अंजीर, 3 एकड़ में सीताफल
और 5 एकड़ में जामुनी फलों के पेड़ लगाए। इन पेड़ों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल किया। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जसिंदी।